हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काजल रंजीत सिंह्स किचन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मिर्ची का अचार। अचार हो तो खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड जा रहे थे ड्यूटी, तो इस बार मेरे हस्बैंड की डिमांड थी कि मैं उनके लिए मिर्ची का अचार बना के भेजूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना, जब मैं उनके लिए मिर्ची का अचार बना ही रही हूँ तो आपके साथ भी इस अचार की रेसिपी शेयर की जाए। तो चलिए देखते हैं कि मिर्ची का अचार किस तरह से बनाया जाता है। इस तरह से मैं यहाँ पे अचार बना रही हूँ, इसी तरह से अगर आप अचार बनाएंगे तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो के करीब मिर्ची ली है। आप देख सकते हैं जो मिर्ची का कलर है बिल्कुल डार्क ग्रीन है। तो मैंने जो मिर्ची है बिल्कुल अच्छे से धो दी है और इनको मैंने धूप में सुखाने के लिए रख दिया है। तो जैसे ही ये मिर्ची धूप में अच्छे से सूख जाएगी, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो मिर्ची का ये डंठल है इसको हम निकाल देंगे। जब हम अचार बनाएं तो इसको पक्का निकाल दें, क्योंकि इस डंठल से क्या होता है, मिर्ची का जो अचार है वो ख़राब हो जाता है। इसको हमने काटने से पहले सबको अलग कर देना है। तो अब मैं यहाँ पे मिर्ची को बीच में से कट कर दूंगी। आप चाहें तो कैंची से भी इसे कट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे चाकू से इसको बीच में से कट करके अलग कर दूंगी इस तरह से। आप चाहे तो मिर्ची को छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं बीच में से एक चीरा लगा के। तो इसी तरह से मैं सारी मिर्ची को कट कर दूंगी। याद रखें मिर्ची में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मिर्ची मैंने यहाँ पे सारी कट करके रख दी है। आप चाहे तो एक बार इसे फिर से धूप में सुखाने के लिए रख सकते हैं अगर आपको लगे कि मिर्ची में अंदर से पानी है। तो अब हम चलते हैं मसाला बनाने के प्रोसेस में। मसाला बनाने के लिए तवे में मैंने 2 चम्मच जीरा डाला है। तो जीरा डालने के बाद अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 6 चम्मच के करीब सौंफ। सौंफ से जो अचार होता है उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा गजब का आता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 4 चम्मच के करीब राई। तो अब यहाँ पे सारे मसालों को मीडियम फ्लेम पर हमने अच्छे से भूनना है। भूनने का मतलब ये नहीं है कि हमने सारे मसाले यहाँ पे काले करने हैं, बस यहाँ पे मसालों के अंदर जो मॉइस्चर है वो निकलना चाहिए। और मसालों को इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से इसको भूनेंगे। अचार बनाते टाइम बहुत सारी चीज़ों का हमने ध्यान रखना होता है कि किसी भी चीज़ में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, चाहे वो तवा हो चाहे वो करछी हो, किसी भी चीज़ में नहीं। तो यहाँ पे जो हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। मसालों को बिल्कुल भी तवे में ना छोड़ें, नहीं तो वो काले हो जाएंगे। तो जब तक हमारे मसाले ठंडे होते हैं तब तक हम क्या करते हैं, तेल गर्म करेंगे अचार में डालने के लिए। तो 1 किलो मिर्च में मैंने यहाँ पे 3 कटोरी तेल डाला है। तो तेल यहाँ पे बिल्कुल गरम होना चाहिए, जिसमें से धुआं निकले, ऐसा तेल हमने यहाँ पे गरम करना है। अगर आप तेल कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा तेल आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से गरम हो चुका है, बिल्कुल धुआं निकल रहा है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और तेल ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो मसाले जो हैं वो हमारे यहाँ पे ठंडे हो चुके हैं। याद रखें मसालों को बिल्कुल भी गरम गरम ना पीसे, नहीं तो उसमें मॉइस्चर आ जाएगा। जब वो ठंडे हो जाएं तब हमने पीसना है। तो यहाँ पे मैं सारे मसालों को पीस लूँगी। तो आप देख सकते हैं मसाले जो मैंने पीसे हैं बिल्कुल दरदरा पीसा है, बिल्कुल भी मैंने बारीक नहीं पीसा है। तभी अचार में मज़ा आता है, जब अचार जो मसाला है अचारी मसाला वो जब बिल्कुल दरदरा रहे। तो अब अचार बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पे मैंने सारी मिर्च ले ली है, अब उसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। तो मैं यहाँ पे 1 किलो मिर्च में 2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर डालने के बाद अब मैंने इसमें 4 चम्मच के करीब नमक डाला है। जो 1 किलो मिर्च में ये नमक बिल्कुल परफेक्ट गया है। अचार बनाते टाइम जो नमक है उसको कम ना रखें तो अचार में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है। नमक डालने के बाद अब मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब कलौंजी। कलौंजी को ना ही गर्म किया जाता है ना ही पीसा जाता है, इसलिए कलौंजी साबुत ही डाली जाती है। कलौंजी डालने के बाद मिर्च के अचार को और टेस्टी बनाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ हींग। तो हींग यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच के करीब डाली है। हींग डालने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। तो इसमें बिल्कुल भी तीखी लाल मिर्च ना डालें। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से अचार में जो कलर आता है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। और अब जो हमने मसाला तैयार किया था वो मसाला अब हम इसमें सारा डाल देंगे। मसाला डालने के बाद ये है 8 चम्मच के करीब सिरका। जो वाइट वाला सिरका होता है वो मैं इसमें डाल रही हूँ।
सिरका डालने से जो अचार होता है वो कभी भी ख़राब नहीं होता है, तो सिरका इसमें ज़रूर डालें। तो अब बारी आती है तेल की। तो तेल यहाँ पे गुनगुना हो चुका है, गरम तेल हमने अचार में बिल्कुल भी नहीं डालना है। जब तेल यहाँ पे हल्का सा गुनगुना हो जाए तब हमने तेल ऊपर से डालना है। तो मैंने यहाँ पे सारा तेल डाल दिया है। अचार में जितना ज़्यादा तेल होगा अचार उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट भी होगा और काफ़ी टाइम तक चलेगा भी। तो अब यहाँ सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अगर आपको लगे कि अचार में तेल ज़्यादा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तेल का यूज़ आप सब्ज़ी बनाने में, दाल बनाने में भी कर सकते हो। इससे सब्ज़ी और दाल का टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर दिया है। अब और एक खास सीक्रेट टिप्स, ये मैंने लिया है कोयला। कोयले में मैंने ऊपर से डाल दी है हींग। कोयला आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, घर में लकड़ी है, लकड़ी को जला के कोयला बन जाएगा आराम से। तो जैसे ही इसमें से धुआं निकलने लगे तो इसके ऊपर रख देंगे हम एक जार। तो ये प्लास्टिक का जार है, आप इसकी जगह पे कांच का जार भी रख सकते हैं और एक दो मिनट तक इसी तरह से रखना है। और आप फटाफट से इस जार में जब तक धुआं है हमने सारा मिर्ची का अचार इसमें डाल देना है। इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं, इससे अचार में कभी भी फंगस नहीं लगता है। और याद रहे जिस जार में हम अचार डाल रहे हैं उस जार में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। गर्म पानी से धो के बिल्कुल जार को अच्छे से सुखा के तब उसमें अचार डालें। और अब हमने लास्ट में क्या करना है, अचार में इस तरह से ऊपर से पन्नी को लगा दें और ढक्कन को बिल्कुल टाइट कर दें और अचार को कम से कम 3 से 4 दिन के लिए धूप में रख दें। अचार ना ख़राब होगा और जो मिर्चियाँ हैं वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगी और पक भी जाएगी। तो यहाँ पे मिर्ची का अचार बनके बिल्कुल तैयार है। वैसे तो अचार के जार में धूप लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप इस टाइम भी मिर्ची का अचार खा सकते हैं, लेकिन खाएं भी और साथ साथ में इसके जार में धूप भी लगाएं, वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।